हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं आज की डेंट की तो एक बेहतरीन शेयर से रिलेटेड आपका रूबरू कराऊंगा और जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस मॉडल और सब चीज बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की डेली वीडियो आपको अचीव हो सके आपको मिल सके एज वेल एज अगर हम बात करें तो इस वी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको अपनी खुद की स्टडी एज वेल एज यहां से सीख के यहाँ पर आप किसी भी तरीके के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सीखने के बाद आपको पता चलेगी कि, कि किस तरीके के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट एक्चुअली करना चाहिए अगर कल की भी डेट की बात कर जाए करें तो यहाँ पर ये दो तीन वीडियो यहाँ पर आई थी इन वीडियोस को जाके देखिए ओके और हमारी जितनी भी जितना सपोर्ट आपसे हो सकता है प्लीज करिए जाके दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें उन्हें भी लेके आइए ताकि वो भी इन वीडियोज को देख के मार्केट्स के बारे में सीख सके बाकी आपके लिए प्ले बना रखिए प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए अच्छा खासा पैसा मार्केट में बनता हुआ

एज वेल एज सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न भी आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है ओके और हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिम चार्ट पैटर्न की तो मैक्सिम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं थर्टी नाइन रुपीज का कभी स्टॉक हुआ करता था इसके बाद एक मुफ्त अच्छी खासी रैली इसने बनाई अच्छे खासी इसने रेटन अच्छी खासी इसने रिटर्न पेश करे उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और अभी भी शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है और बेहतरीन चार्ट पैटर्न एज वेल एज अगर हम बात करें बेहतरीन टारगेट और बेहतरीन बिजनेस मॉडल यहाँ पर सब चीज अच्छी खासी नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि ये शेयर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज वेल एज और भी कुछ

शेयर के प्राइस में अप्रिशिएशन आ रहा है बेहतरीन इसका चार्ट पैटर्न जा रहा है तो ऐसे शेयर को हमें लगता है कि ऐसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए

यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर कंपनी टू व्हीलर जितने भी टू व्हीलर है स्कूटीज है और इस तरीके के जो टीवीएस के मोपर्ट्स आते हैं वो तो अगर बात करें यहाँ पर ये थ्री व्हीलर हो गए जो कि क्या कहते हैं कॉमर्शियल भी यूज होते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके की जो ये पहाड़ों तो पर ये चीजें देख सकते हैं आप तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा खासा नजर आ रहा है और देखिए अभी ऑटो की सेल्स नहीं हुई थी बट क्योंकि पूरा लॉकडाउन था तो ऑटो की सेल्स नहीं हुई थी बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है इंडिया डेवलप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की कंट्री की तरफ

तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बाइक टू व्हीलर थ्री व्हीलर यहाँ पर ये चीजें काम करती है कस्टमर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लोमबार्डिनी पियागियो एज वेल एज ग्रीप्स यहाँ पर इनके अः कस्टमर्स है एज वेल एज ग्रीप्स हीरो हीरो जो मोटरसाइकिल्स है और कार यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है महेंद्र टू व्हीलर जो यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है और टी वी एस यहाँ पर ये जो बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड जो भी ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ये कंपनी इनकी सारी की सारी कस्टमर्स यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड है एज वेल एज यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैपिटल एट करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटल है स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप भी नहीं माइक्रो कैप कंपनी है एक करोड़ से भी यहाँ पर नीचे इनका मार्केट कैपिटल नजर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के भी हमें इन्वेस्ट करना होगा और ये सब चीज देख के के बाद ही हमें इन्वेस्ट करना होगा और यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है पी रेशो -E की बात करें तो ट्वेंटी का पी रेशो आर ओ सी इलेवन परसेंट है डेट की बात करें तो एक परसेंट का डेट है ना के बराबर डेट है कंपनी के पास तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा यहाँ पर अच्छी खासी पावरफुल नजर आ रही है इसके अलावा हम और भी चीजों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनके सारे के सारे पीयर कम्पेरिजन है वो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं सेल्स मतलब इनकी 2018 से लेके दो मार्च अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सारे सारे पर जितने भी कंपनीज थी उसमें एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी तो यहाँ पर अछूत ही नहीं रही ओके इसमें भी इसी तरीके गिरावट भी बट अगर देखे उसके बाद दो के बाद दो में यहाँ पर कंसिस्टेंसी का धीरे धीरे यहाँ पर या फिर कह सकते उसी रेंट में यहाँ पर चलती रही और फिर इसके बाद अगर हम बात करें जून दो से तो देखिये पैतीस करोड़ एक करोड़ वन फिफ्टी मतलब हाइस्ट यहाँ पर पिछले बारह क्वार्टर में थी, पिछले तीन क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट हाइस्टर सेल्स होनी शुरू हो गई है पर आना शुरू हो गया, और धीरे धीरे तो अच्छा खासा यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर अच्छा डेढ़ करोड़ अगर फोर टाइम्स भी यहाँ लगाएंगे तो छह करोड़ की तो इनकी सेल्स होगी और यहाँ पर अगर हम देखते हैं मार्केट कैप इसकी कंपनी की कीमत आठ करोड़ है तो यह सब चीज आपको देखनी पड़ेगी अगर हम देखते यहाँ पर दो हजार दस से बढ़ता दो हजार okay, आपको पता ही है किस रीजन से जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ लॉकडाउन वगैरा शुरू हो गया तो यहाँ पर इनकी सेल्स कम होती हुई गई बट अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और दोबारा यहाँ पर दो हजार 20 से 2020 से 2021 में देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा है और हाईएस्ट एवर पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया पिछले तीन चार क्वार्टर से यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हाईएस्ट एवर सेल्स थी हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पर भी अभी हाईएस्ट एवर ही है बट अगर बात करें आ, धीरे धीरे जैसे अभी सेल्स बढ़ेगी इसकी जो कि बढ़नी है जिस तरीके से अब मैं मैन्युफैक्चरिंग uh, वगैरह सब चीज तैयार हो रही है ओके यहाँ पर कमर्शियल चीजें शुरू होगी तो यहाँ पर ऑटो भी बिकेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बिकेंगे यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर टू व्हीलर थ्री व्हीलर भी बिकते हुए नजर आएंगे एज वेल एज हम बात करते हैं बैलेंस शीट की रिजर्व देख लीजिए

करना शुरू कर देगी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 66.39% की होल्डिंग है मतलब इन्होंने ना एक प, एक भी परसेंट की हिस्सेदारी ना बेची है 0.1% तक की भी और ना ही इन्होंने खरीदी है एफआईज की बात करें एफआईज यहाँ पर डील नहीं करते डीआईज की बात करें डीआईज यहां पर 2.5% की हिस्सेदारी रखते हैं और पब्लिक की अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास 31.11% की हिस्सेदारी है इसमें से 1.766 घटा है देते हैं तो लगभग 20 29. समथिंग यहां पर निकल के आएगा बट 30 लगा लीजिए आसपास तो 30% की होल्डिंग है पब्लिक

मतलब इस रेंज में जब 452 करोड़ रुपीज का यहाँ पर सेल्स थी उसके तो बाद 2019 में तो और बेहतरीन पर सेल्स हुई है बट यहाँ पर इम्पैक्ट था तो लोग घबरा गए थे तो पर पर सेलिंग शुरू हो गई और यहाँ पर से एक बार दोबारा भागना शुरू किया था बट यहाँ पर से पेंडेमिक आ गया ओके क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें दो हजार के क्वार्टर के लास्ट में क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट आ गए थे मार्च के और यहाँ पर भाग नहीं था बट यहाँ पर पेंडेमिक आ गया तो यहाँ पर गिरावट हो गई और कंपनियां यहाँ पर से दोबारा चलना शुरू कर दिया कर दिया और अच्छा खासा यहाँ पर भाग

शोल्डर बनाता हुआ नजर आ रही है ये इसके बाद यहाँ पर एक होल यहाँ पर एक हेड बनाया और यहाँ पर फिर अगर बात करें यहाँ पर फिर दोबारा एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अगर हम एक चीज और मैं आपको बताऊं तो देखिए फिफ्टी डीएमए के आसपास जब भी कंपनी आ रही है तो यहाँ पर भक्ती नजर आ रही है यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के आसपास आई और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा छह परसेंट की यहाँ पर अच्छी खासी यहां पर जंप दिखाई है और यहाँ पर से देखिए पहला टारगेट तो यही है जो इसका ऑल टाइम यहाँ पर फिफ्टी भी खाई था जो की मुझे लगता है कि अः यहाँ पर दो चार दो चार पांच दिन में या

तो लगभग लगभग 80 परसेंट के आसपास यहाँ पर आ, आपको गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है एटी परसेंट तक के, के यहाँ पर चांसेस है आपको अच्छे खासे गेन मिलने के कंपनी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रही है अच्छे खासे इसके आ, नंबर है कंपनी ग्रोइंग मैनर में है नंबर ऑल टाइम हाई के नंबर यहाँ पर देखिए देना दोबारा शुरू कर दिया है जिस तरीके से यहाँ पर से एक शेयर यहाँ पर ऑपरेटर एक अगर बात करें कितने दो हजार से लेके अठारह सत्रह तक मतलब कितने डेढ़